हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अगम छाबड़ा। दोस्तों, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, होंडा वर्ना का 2023 न्यू मॉडल आ चुका है और ये कोई फेसलिफ्ट नहीं है, बिल्कुल ही न्यू मॉडल है। और आप देख सकते हैं पूरी लुक होंडा वर्ना की चेंज कर दिया और बहुत ही बढ़िया लुक इसको दी है। मैं आपको एक एक चीज़ इसमें आज दिखाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये हमारे सामने टॉप मॉडल खड़ा है, ऑटोमेटिक अगर आप फ्रंट से लुक इसकी देखोगे, इसमें आगे से इसमें बिल्कुल ही लुक को चेंज कर दिया गया है। आगे बिल्कुल एक जॉइंट इसमें एलईडी दी गई है, डे टाइम रनिंग डीआरएल है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर जो ग्रिल देखोगे, पियानो ब्लैक फिनिश में बहुत ही बढ़िया इसमें लग रही है। और यहाँ पे ट्रियो हेडलैम्प भी इसमें शायद दे दिए हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल ही बढ़िया इसमें हेडलैम्प लग रहे हैं, बिल्कुल स्लीक है और ऐसे लगेगा आपको, बिल्कुल ऐसी सपोर्टिव लुक देंगे ना आगे से भाई, आपको मजा आएगा देखने में। और बिल्कुल उसके नीचे इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसमें आपको मिलने वाली है और आगे भी इसमें सेंसर है, क्योंकि इसमें अडास का फीचर एड ऑन हो चुका है जो कि मार्केट में आजकल बहुत ही डिमांडिंग फीचर है। सारी गाड़ियों में आजकल अडास आ रहा है और इसमें भी होंडा वर्ना ने इसमें भी अडास का फीचर आपको एड ऑन कर दिया। पहले सिर्फ टुसोन में वो फीचर आ रहा था। अगर मैं आपको आज की साइड लुक दिखाऊँ, देख लो तो दोस्तों बिल्कुल देखो एरोडायनेमिक्स इसके कट्स देखो भाई, एकदम फ्रेश कट्स हैं, फ्रेश लुक है। ठीक है, यहाँ से इसकी अगर आप कटिंग देखोगे बिल्कुल एक्यूरेट, क्या इसमें फिनिशिंग दी है ना भाई। जब मैं आपको गाड़ी अंदर से दिखाऊंगा ना तो आपको और पता लगेगा कि इसमें कितनी डिटेलिंग से इसमें काम किया गया है। इसके टायर का साइज़ की बात करें तो इस सेगमेंट में आपको टॉप मॉडल में 16 इंच का टायर मिल रहा है, जिसकी प्रोफाइल है 205/55/16 और डायमंड कट अलॉय आपको मिल रहा है। और जैसे कि वर्ना की लेगेसी रही है, हर बारी ये बिल्कुल ही फ्रेश लुक देते हैं और कुछ कुछ नए फीचर के साथ ये एड ऑन मार्केट में आती है। तो अगर आप आज की बात करें इसकी, मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं, ठीक है, ये है को ड्राइवर साइड का डोर, लेदर फिनिश के साथ इसके डोर आ रहे हैं और बिल्कुल ही सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी कुछ अलग ही मटेरियल है, ठीक है, थोड़ा रगेड फिनिश में यहाँ पर आपको डोर के पैनल्स मिलेंगे और बहुत ही मल्टी कलर हैं। ये सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पे ही सिर्फ लेदर और सॉफ्ट टच का काम आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके टॉप मॉडल में बॉस के स्पीकर आ गए हैं और यहाँ पे बॉटल होल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 1 लीटर की और 500 ml की बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर बात करें इंटीरियर की, देखो भाई इंटीरियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, ठीक है, मैं आपको इंटीरियर की लुक दिखा देता हूँ। बिल्कुल स्लीक और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिलने वाली है साथ में, और यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट एसी का ऑप्शन भी मिल रहा है। और यहाँ पे जो आप अगर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे ना, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको ड्राइवर साइड पे जाके दिखाता हूँ इसका पूरा लुक। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पुश बटन स्टार्ट ऑब्वियस ही है जो पहले भी आता था। और अगर बात करें ड्राइवर साइड की, यहाँ पे चारों पावर विंडो आपको मिलने वाले हैं और जो भी जनरल फीचर होते हैं और ORVM सेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इसको आप ओपन क्लोज भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इसको क्रोम फिनिश में नहीं मिला, इस बार इसको सिल्वर फिनिश में ही रखा है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा, सेम बॉटल ऑप्शन 1 लीटर और 500 ml का। और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का, हिल असिस्ट का, जो भी बेसिक फीचर है। तो आप देख सकते हो इसकी की कुछ ऐसे देखने वाले, की में भी थोड़ा चेंज हुआ है भाई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ग्लोसी और मैट फिनिश में इसकी की है। और यहाँ पे इसका गियर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, पार्किंग का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ड्राइव मोड्स का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर लीवर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, हैंड रेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है आगे भी और पीछे भी। वाइट डैश लुक दिखा देता हूँ इसका बैक से, तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो की भी आप दोबारा देख लो भाई, किसी को डाउट हो तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी चाबी इसकी गाड़ी में नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अगर आप देखो ये पूरा जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये इसका ये ऑन कर दोगे 2 मिनट, ये ऑन कर दोगे, इन मीन टाइम ये ऑन हो रहा है, तब तक हम देखते हैं। यहाँ पे इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, सी टाइप पोर्ट मिल रहा है, USB पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। और सबसे अच्छी बात, एक और वेंटिलेटेड सीट भी इसमें आपको मिलने वाली है। और अगर आप इसके इंटीरियर की लुक देखोगे ना, बिल्कुल रिफ्रेश हो चुकी है इसकी लुक। अगर आप देखो यहाँ पर भी सॉफ्ट टच का यहाँ पे आपको मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे सारा सॉफ्ट टच है। और AC के पैनल्स इतने स्लीक कर दिए ना भाई, आप देखो बिल्कुल स्लीक, पता ही लग रहा है जैसे ऐसा लग रहा है किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। ऑडी BMW को ये टक्कर दे रही है। तो देखो दोस्तों इसका क्लस्टर यहाँ पे देखो कितना फैंसी, और भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल 3D के जैसा ये आपको लगेगा देखने में। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर आ रहा है, RPM मीटर राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
एसी को थोड़ा कम कर लेते हैं। और ऐसा कुछ आपको सिस्टम मिलेगा, एप्पल कार प्ले वगैरह इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ब्लू लिंक का भी इसमें ऑप्शन आने वाला है और बहुत ही अच्छी इसकी टच है, बिल्कुल टच एंड फिनिश। आपको पता होंडाई में और फिनिश की कभी कोई कमी रहती। एक स्पीकर का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटो डिमिंग, इसमें ये बैक व्यू मिरर भी मिलने वाला है। SOS का ऑप्शन है, SOS मतलब अगर इसमें कोई आप मेरे ख्याल से इमरजेंसी कॉल वगैरह किसी को कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू लिंक का ऑप्शन का बटन भी दिया हुआ है। और एक और चीज़ इसमें जो खास है, यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स और सनरूफ का कंट्रोल आपको यहाँ ही मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। और ये जो ना इसकी एक होंडाई की जो फिनिशिंग है यार, इसका ना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुरू से। यहाँ पे देखो कितना मोटा यहाँ पे इन्होंने सनरूफ के नीचे शटर दिया है कि बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा इसमें, दोनों साइड ड्राइवर साइड में भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये देख रहे हो भाई बटन, एडास का फीचर भाई मैंने आपको बताया था इसमें ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर तो इसमें मिलने ही वाले हैं, एडास का फीचर जो कि आजकल मार्केट में मोर डिमांडिंग है एडास। और यहाँ पे आपको सारे म्यूजिक के कंट्रोल भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगेगा देखने में। इसका ऑटो क्लाइमेट एसी का ऑप्शन और ऐसी है इसमें एक एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन। तो दोस्तों ये सब था इसका इंटीरियर के बारे में। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है, इसमें हम जो भी हमें फर्स्टली दिख रहा है तो हम उसकी बात करे जा रहे हैं। और इसमें बोस के स्पीकर भी मैंने आपको दिखा दिए। तो बात करते हैं इसकी बैक सीट की भाई। बैक सीट में मुझे बहुत ही इम्प्रूवमेंट लगी, क्योंकि पहले ना दोस्तों अगर आप बात करें पहले ना, अब मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, छः फुट की मेरी हाइट है। तो पहले ना मेरी टांगें भी हल्की सी लगी थी और हेड रूम भी मेरे को थोड़ी कम लगती। हेड रूम में भी मेरे को लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर देख लो मेरा हेड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ना मेरा हेड, मेरी 6'1" की हाइट है तो हेड मेरा पीछे टच नहीं हो रहा। और पीछे की बात करें, और इसमें अब पीछे भी दो सी टाइप केबल और पीछे ये एसी वेंट्स दिए हुए हैं। और इंटीरियर की अगर सीट कवर्स की बात करें, बिल्कुल ही चेंज लुक कर दी है, ठीक है। इसको भी खोल लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। हैंड रेस्ट को तो हैंड रेस्ट में यहाँ दो कप होल्डर भी मिल रहे हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा वाइट ऑफ वाइट कलर का आपको सारा इंटीरियर इसमें मिलने वाला है, सीट कवर मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अच्छा खासा इसमें लेग रूम भी अब एड ऑन हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा। और पीछे भी सॉफ्ट टच, हाँ सॉफ्ट टच दिया भाई, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। यहाँ पे मल्टी कलर सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलने वाला है। और अब चलते हैं इसकी सबसे अच्छे पार्ट पे, जो कि है इसकी बैक लुक। भाई बैक लुक में कंपनी ने कमाल कर रखा है भाई, देखो एक बारी भाई लुक देखते रह जाओगे भाई। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया इसकी LED लग रही है, ठीक है। ये देखो LED इसकी पूरी बैक में जुड़ती है। और यहाँ पे भी इसकी मैट्रिक्स दी हुई है। एक बारी मैं आगे किसी से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई ब्रेक मारेंगे, भाई ब्रेक मारने, देखो ब्रेक मारने पे ऐसी इसकी LEDs जलेंगी। बहुत ही बढ़िया इसमें LED जल रही है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ये देखो इंडिकेटर भी ऐसे चलेगा, ठीक है। LED मैंने मैट्रिक्स LED भी आपको दिखा दी। और भाई बूट स्पेस की बात करें तो भाई अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस है। मैं अगर घुस के दिखा देता हूँ आपको बूट स्पेस में, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। देखो भाई मेरे जैसा बंदा भी इसमें लेट सकता है, देख रहे हो भाई मैं लेट गया हूँ पूरा, 6 फुट का बंदा इसमें लेट सकता है, ठीक है। इतना बूट स्पेस है, ठीक है। तो इतना खासा अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस भी मिलने वाला है आपको। तो इसको बंद कर देते हैं। और इसमें ना एक बात देख आप नोट करोगे ना, इस बार क्रोम एलिमेंट सारे हटा दिए। ये भी अगर आप मोनोग्राम इसका देखोगे, वरना देखोगे इसका भी एक शीशे के अंदर ना, फाइबर के शीशे के अंदर लिखा हुआ है। और ये भी एक क्रोम नहीं है, थोड़ा सिल्वर फिनिश में है। तो क्रोम एलिमेंट्स इस बार कम कर दिए। और दोस्तों बात करें इसके प्राइसिंग की और इंजन की, प्राइसिंग की आप लिस्ट मेरे हाथ में देख सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पे रोक देता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग लिस्ट है, टॉप मॉडल इसका पड़ता है 19,89,537 का, जो कि हरियाणा के प्राइजेज हैं, आपके स्टेट में प्राइजेस वेरी कर सकते हैं। और बेस मॉडल इसका EX जो कि आपको 12,60,000 का पड़ जाएगा। तो दोस्तों इंजन की बात करें, इसमें 1500cc का मैनुअल IVT और टर्बो DCT इंजन इसमें आपको मिलने वाला है। देखिए आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा है, टर्बो लिखा है यहाँ पे, और इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इन शॉर्ट आपको अगर बताऊँ तो इसमें आपको टॉप मॉडल लगभग 20 लाख के आसपास और बेस मॉडल 12,60,000 रुपये का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी एक हमारी छोटी सी वीडियो न्यू वरना 2023 के बारे में। और अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे भी इसमें साइड मिरर में भी LED
दी हुई है। और ये थी ओवरऑल इसकी एक हमने आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपके ही सब्सक्राइब के कारण मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।